छोटपुर समस्याओं के बीच गोवर्धन में गरीबों को राशन वितरण शुरू। कोरोना महामारी के बीच प्रशासन के निर्देश पर गोवर्धन में लोगों को राशन वितरण 1 अप्रैल से प्रारंभ हो गया। हालांकि पहले दिन सर्वरों के डाउन होने की खबरें भी आईं, लेकिन उसके बावजूद राशन डीलरों ने 2 दिन के भीतर अपने अपने वितरण केंद्रों पर लगभग 150 से 200 लोगों को राशन वितरित किया। कुछ महिलाओं के राशन कार्ड मशीन में शो नहीं हो रहे थे, जिसके लिए राशन डीलरों ने बताया कि लोगों को बता दिया गया है कि वे अपने रिजेक्ट हो चुके राशन कार्ड और ज़रूरी कागजात लेकर तहसील में आपूर्ति इंस्ट्रक्टर से जाकर मिले। वह 2 दिन के अंदर ही उनके कार्ड उन्हें बना कर देंगे। वहीं कई जगह राशन की आपाधापी में महिलाओं की भीड़ नजर आई, जिसे पुलिस ने जाकर व्यवस्थित कराया। सभी राशन वितरण केंद्रों पर डीलरों ने उपभोक्ताओं के खड़े होने के लिए गोले बना रखे और उनके हाथ साफ कराने के लिए साबुन तथा सैनिटाइजर रखे हुए हैं, जिससे कि साफ सफाई का भी ध्यान रखा जा सके। राशन डीलरों ने बताया कि पहले 2 दिन अंत्योदय और रजिस्टर्ड मजदूर गरीबों के लिए राशन फ्री बांटा जाएगा और उसके बाद सामान्य कार्ड धारकों को राशन वितरण किया जाएगा। क्या नाम है आपका? निन्ना मुखर्जी। ये राशन वितरण कार्यक्रम कब से प्रारंभ हुआ है और कितने लोगों को आप अभी तक ये राशन वितरित कर चुके हैं? राशन वितरण 1 तारीख से शुरू हो गया है, उसमें गुलाबी कार्ड फ्री है, वो फ्री हम दे चुके हैं कल की तारीख में। अब पात्र रसी के राशन कार्ड चल रहे हैं। कितने लोगों को कल आपने राशन बांटा? कल 80-85 करीब कल दे दिया था, 80-85-90 के करीब अब दे दिया। सर्वर डाउन की कुछ लोग समस्या बता रहे थे। आज तो नहीं आई थी, कल आई थी 2-2.5 घंटे के लिए। आज सही चल रहा है? आज सही चल रहा है। अच्छा, ऐसे कार्ड धारक जिनके कार्ड यहाँ पे शो नहीं कर रहे हैं, उनके लिए आप लोगों की या आपके विभाग की तरफ से क्या व्यवस्था रखी गई? जो कार्ड शो नहीं करते उनको तुरंत तहसील भेजा जाता है और उनके जो आधार कार्ड और बैंक की पासबुक की फोटो कॉपी और 2 फोटो भिजवा के तुरंत अपडेट हो जाते हैं और तुरंत वो चालू हो जाते हैं। तो मतलब लगभग कितने समय में उनका वो चालू हो जाता है? 2 दिन चालू हो जाता है वो। तो मतलब कोई समस्या अभी तक राशन वितरण में नहीं है? अभी तो कोई है नहीं। क्या नाम है सर? हरिकृष्ण शर्मा। राशन वितरण में यहाँ कुछ समस्याएं आ रही हैं? वो केवल सर्वर की समस्या आ रही थी जी। जो कल के समय में पहला दिन था, स्टार्टिंग में थोड़ा सर्वर 1 से 1.5 घंटे करीब में समस्या कुछ कुछ आई, कुछ कुछ मशीनें सही भी चली। आज पूरे दिन बहुत अच्छे ढंग से सर्वर चल रहा है और बड़ी शांति से आदमी अपनी ले जा रहा है। कल भी कल और आज में लगभग कितने लोगों को राशन वितरित कर? कल करीब लगभग के अंदाज में 90 के समथिंग कल दिया, पहले अंत्योदय और विकलांग लोगों के लिए और या दिहाड़ी मजदूर इनके लिए कल प्रोवाइड किया। आज का भी दिन उन्हीं के लिए, जो आज इनके बाद में शेष लोग जो और रह जाते हैं नॉर्मल पास्त गृहस्थी के, उनको भी आज पूरे दिन वितरण हो रहा है। और मनरेगा वाले, श्रम विभाग के दिहाड़ी मजदूरों को और अंत्योदय कार्ड धारकों को पूरा मुफ्त में अनाज मिल रहा है, जो पूर्ववत मिलता रहा है। प्रति यूनिट के हिसाब से लगभग कितना अनाज वितरित कर रहे हैं? 5 किलो। हाँ, और ये कार्य लगभग कब तक चलेगा? ये जब तक ये हमारे शासनादेश नहीं आ जाए, देश की स्थिति नॉर्मल नहीं हो जाए, हम सब लोग सेफ और सुरक्षित नहीं हो जाए, ऊपर से आदेश नहीं आ जाए, तब तक ये कंटिन्यू ऐसे ही चलता रहेगा। और हम सब लोग, पत्रकार मीडिया भी जैसे सहयोग कर रही है, उसी एक हिस्से में हम राशन डीलर भी अपने स्तर से जो भी सहयोग बनना है जनता के लिए, हम वो सहयोग प्रदान कर रहे हैं। कोशिश ये कर रहे हैं कि कोई भी लोग, राशन है वो तो उनको तो मिलेगा ही, बकाया जैसे लोग हैं कि उन पे कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो उनको एट ए टाइम में जो संभव व्यवस्था है उसको हम देने की पूर्ण कोशिश कर रहे हैं। जो वास्तव में गरीब है, जिसके पास संसाधन ऐसा नहीं है कि कोई से और से ले ले, तो बजाय उसके हम उसको खाद्यान्न देने की पूर्ण कोशिश कर रहे हैं। उनको भी दे रहे हैं आप? हाँ, उनको भी दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? अभिषेक भारद्वाज। ये राशन वितरण कब से प्रारंभ किया है और कितने लोगों को अब तक ये राशन वितरण कर चुके हैं? ये 1 अप्रैल से शुरू किया गया है, अभी से कल से मतलब, और अभी तक हम समथिंग 150 से 200 लोगों को अब तक दे चुके हैं। कल से और आज तक। तो इसमें क्या कुछ ऐसा सिस्टम भी है कि BPL या अंत्योदय कार्ड वालों के लिए? पहले दो तरीके के कार्ड होते हैं, PHH वाले और अंत्योदय वाले। PHH वाले की अभी श्रेणी बांट दी गई है, जैसे कि मनरेगा मजदूर, दिहाड़ी मजदूर, उन जो पंजीकृत हैं उनके लिए तो मुफ्त राशन है, और जो PHH वाले नॉर्मल श्रेणी वाले हैं उनके लिए मूल्य से ही राशन है।
और अंत्योदय वालों के लिए भी फ्री राशन। तो पहले नंबर किनका है? पहला नंबर सबसे जो गरीबी रेखा वाले, इन सबसे नीचे कार्ड जो आते हैं वो अंत्योदय वाले कार्ड होते हैं। सामान्य कार्ड धारकों को उसके बाद? हाँ, सामान्य कार्ड धारक पीएचएच वाले उनके बाद। और क्या क्या व्यवस्था आपने अपने यहाँ पे केंद्र पर रखी हुई है? जैसे कि हमारे यहाँ पानी और साबुन से हैंड वॉश कराए जाते हैं, उसके बाद सैनिटाइज कराए जाते हैं। सैनिटाइज के बाद उनको मतलब हमने गोले काढ़े हुए हैं, उनमें पांच गोले काढ़ के उनमें पांच लोग डेढ़ डेढ़ दो दो मीटर की दूरी पे खड़े किए गए हैं। उनके बाद एक एक करके अंदर ले करके तब इम्प्रेशन लगवा करके तब उनको राशन मिलता है। राशन वितरण में सुनने में आया कल की सर्वर डाउन की कुछ समस्या राशन डीलरों ने बताई थी, ऐसी कोई समस्या? वो सर्वर डाउन की क्या है कि एकदम से राशन डीलरों का प्रेशर पड़ता है तो कभी कभी हो जाती है। कल हुई थी, आज तकरीबन 12 बजे तक रही थी, उसके बाद फिर नॉर्मल हो गई, ऐसे ही कल रही। और जैसे कुछ कार्ड धारकों के कार्ड यहाँ पे शो नहीं कर रहे हैं, उसके लिए क्या? वो कुछ कार्ड पहले पिछले महीने कैंसिल हो गए थे किसी कारण से, और कुछ यूनिट कैंसिल हो गई थी, उनके लिए अब थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। विभाग उनके लिए अलर्ट है, 10 से 2 बजे तक हमारे इंस्पेक्टर साहब, ERO साहब बैठे हुए हैं, वो लगातार उनके लिए काम कर रहे हैं।